वेलकम टू सोशल। ऑलमोस्ट हर एक्टर पॉपुलर होने से पहले एक ऐसे फेज से गुजरता है जहां उसे बहुत अननोटिसेबल रोल्स करने पड़ते हैं। ये वीडियो उन्हीं कुछ एक्टर्स के बारे में है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दिस इज अ पार्ट टू ऑफ द सीरीज, जहां इससे पहले वी हैव ऑलरेडी मेड पार्ट वन ऑफ दिस वीडियो, जहां हमने कई एक्टर्स को मेंशन किया था। Since your response to the video was good, we decided to make part 2 of the series Appearances of Actors Before They Became Famous. This is going to be an interesting video, so we recommend ki aap isko end tak zarur dekhe. Aa suniye ji, idhar aaiye ji. Saab, madam se order lijiye. Order karo. Bole madam. Number 10, Abhishek Banerjee. Because of the OTT revolution in India, Abhishek Banerjee aaj audience mein ek popular actor hai. ऑडियंस में पॉपुलैरिटी उन्हें पाताल लोक और मिर्जापुर से मिली है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अभिषेक बनर्जी ने बॉलीवुड में काफी स्ट्रगल किया है। उन्होंने कई फिल्म्स में एज एन एक्स्ट्रा और बैकग्राउंड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया है। यू माइट नॉट बी नोइंग दैट ही वाज आल्सो देयर इन रंग दे बसंती। अगर आपको रंग दे बसंती याद हो तो भगत सिंह के रोल के लिए जब कॉलेज में ऑडिशन होते हैं तो वहाँ ऑडिशन देने वालों में से एक अभिषेक भी है। मैंने अपनी सारी जिंदगी देश के नाम कर दी। नंबर 9, दिवेंदु। दिवेंदु एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। फ्रॉम फिल्म्स लाइक प्यार का पंचनामा टू शोज लाइक मिर्जापुर, दिवेंदु ने ऑडियंस को अपनी एक्टिंग रेंज से अपना फैन बना लिया है। मुन्ना त्रिपाठी, किंग ऑफ गज्जुमल कॉलेज। In fact, even in movies where Divendu has played a supporting role, उनमें भी उन्होंने best दिया है, चाहे film कैसी भी हो। Well, it's this dedication that makes Divendu such a versatile actor. यहाँ पर Divendu से related interesting fact ये है कि during his struggling days, Divendu ने कई बड़ी films में extras का role play किया है। One of them being the film आजा नचले। आजा नचले फिल्म एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की कमबैक फिल्म थी और इसमें दिवेंदु एक सीन में क्राउड में बैठे दिखाई दे सकते हैं। ये एक ऐसा केमियो है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, बट हियर वी आर टेलिंग यू अबाउट थिंग्स दैट नो वन टॉक्स अबाउट। नंबर 8, डेजी शाह। वी ऑल नो कि डेजी शाह एक्टर बनने से पहले एक कोरियोग्राफर कम डांसर थी। जस्ट लाइक वी मेंशन्ड शाहिद इन आवर लास्ट वीडियो कि वो फिल्म्स में आने से पहले एक बैकग्राउंड डांसर थे, वैसे ही डेजी भी एक बैकग्राउंड डांसर हुआ करती थी। सलमान खान की फिल्म तेरे नाम के लगन लगी सॉन्ग के बैकग्राउंड में डेजी आपको इजीली स्पॉट हो जाएंगी। किसी ने शायद ही सोचा होगा कि आगे जाके शी विल बी सीन एज अ लीडिंग एक्ट्रेस इन सलमान्स फिल्म जय हो। इसके अलावा यू ऑल मस्ट बी नोइंग हर फ्रॉम रेस 3, जहां उनका ये डायलॉग आज भी पॉपुलर मीम है। आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। नंबर 7, अर्जुन माथुर। अर्जुन माथुर एक ऐसे एक्टर हैं जो हर रोल को काफी परफेक्शन के साथ प्ले करते हैं, लेकिन ये काफी अनफॉर्चुनेट है कि इंडस्ट्री में इतने साल काम करने के बावजूद आज भी अर्जुन माथुर को वो रिकॉग्निशन नहीं मिली जो वो डिजर्व करते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही हैज वर्क्ड रियली हार्ड और उन्होंने कई फिल्म्स में सपोर्टिंग एक्टर का रोल प्ले किया है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन बीइंग इन द फिल्म लक बाय चांस। फिल्म लक बाय चांस में वो एक एस्पायरिंग एक्टर का रोल प्ले करते हैं एंड नो डाउट उन्होंने इतने छोटे से रोल को भी बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ प्ले किया है। हाँ, पर वो वहां अपने डायरेक्शन का चांस देखेगा, तेरे को ब्रेक दिलाएगा। वैसे भी तुझसे उसे कुछ प्रॉब्लम है। नंबर 6, दीपक डोबरियाल। आज एक्टर दीपक डोबरियाल ऑडियंस में काफी फेमस है। ही इज नोन फॉर हिज रोल्स इन फिल्म्स लाइक तनुवेज मनु और हिंदी मीडियम, बट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो कि दीपक ने अपने करियर के स्टार्टिंग में बहुत सी फिल्म्स में सपोर्टिंग रोल्स प्ले किए हैं। उनमें से एक थी अनुराग कश्यप की फिल्म गुलाल। फिल्म में के मैनन एक पॉलिटिशियन का रोल प्ले करते हैं जो फिल्म का मेन कैरेक्टर है, वहीं दीपक उनके राइट हैंड मैन का रोल प्ले करते हैं। अच्छे से संभाल रहा ना? नंबर 5, इम्तियाज अली। आज इम्तियाज अली हिंदी सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डायरेक्टर्स में से एक है। ही इज समबडी जिनकी फिल्म्स यूथ ऑडियंस काफी पसंद करती है एंड दे लुक फॉरवर्ड टू व्हाट ही मेक्स नेक्स्ट। जहां इम्तियाज द डायरेक्टर को हर कोई जानता है, मगर नॉट एवरीवन नोस कि इम्तियाज एक एक्टर भी हैं। यस, यू हर्ड दैट राइट। इम्तियाज एक थिएटर एक्टर हैं और उन्होंने कई फिल्म्स में भी एक्टिंग की है। इनमें से एक है अनुराग कश्यप की फिल्म ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे में इम्तियाज अली हमें याकूब मेनन के रोल में दिखाई देते हैं। ये एक ऐसा केमियो है जो उस वक्त की ऑडियंस ने नोटिस नहीं किया, बट इफ यू रिविजिट ब्लैक फ्राइडे नाउ यू कैन इजिली रिकॉग्नाइज इम्तियाज अली इन द फिल्म। मैडम वहाँ बहुत मर मर के जी रहे थे हम लोग, और फिर मैं दुबई गया। वहाँ एक वकील है, उसने बोला कि हल्की फुल्की सजा होगी, तो मैं आ गया। नंबर 4, आलिया भट्ट। वी ऑल नो कि आलिया ने अपना डेब्यू करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से किया था,
मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि आलिया ने अनुराग कश्यप की फिल्म में एक छोटा सा केमियो किया है। 2014 की फिल्म अगली में वो बस कुछ सेकंड्स के लिए ही स्क्रीन पर दिखती हैं। फिल्म में वो एक्ट्रेस तेजस्विनी कोल्हापुरी की यंगर वर्जन का रोल प्ले करती हैं। वेल, ये एक ऐसा केमियो था जो आपको तभी ही दिखाई देगा जब आप फिल्म को बहुत क्लोजली देखेंगे। नंबर 3, जयदीप अहलावत। थैंक्स टू द वेब सीरीज पाताल लोक कि आज जयदीप अहलावत जैसे सुपर टैलेंटेड एक्टर को वो रिकॉग्निशन मिल रही है जो वो हमेशा से डिजर्व करते हैं। वी ऑल नो कि आज जयदीप जहां पर पहुंचे हैं उसके लिए उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है। जयदीप ने अपने करियर के स्टार्टिंग से ही कई फिल्म्स में छोटे कैरेक्टर्स प्ले किए थे। इनमें से एक फिल्म थी रॉकस्टार। फिल्म रॉकस्टार में जयदीप ने रणबीर के बड़े भाई का कैरेक्टर प्ले किया था। आप उनको उस सीन में इजीली स्पॉट कर सकते हैं जहां पर वो रणबीर के कैरेक्टर को घर से निकाल देते हैं। टुडे व्हेन यू वॉच रॉकस्टार यू कैन वेरी इजीली नोटिस कि जयदीप ने इतने छोटे से रोल को भी कितनी इंटेंसिटी से परफॉर्म किया है। वेल, दैट्स जयदीप अहलावत फॉर यू। ही इज इम्पैक्टफुल इन एवरी सीन। नंबर 2, वाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने फेमस होने से पहले कई ऐसी फिल्म्स में अपीयरेंसेस दी हैं जहां उन्हें शायद लोगों ने नोटिस भी नहीं किया हो। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने आपको उनके सरफरोश के रोल के बारे में बताया था। इसके अलावा फिल्म शूल में भी आप उन्हें एक नोटिसेबल रोल में देख सकते हैं। इफ यू क्लोजली सी, नवाजुद्दीन में एक वेटर के तौर पर दिखाए गए हैं। ये एक बहुत ही छोटा सा अपीयरेंस था जो नवाज ने अपने स्ट्रगलिंग डेज में किया था। सुनिए जी, इधर आइए जी। साहब, मैडम से ऑर्डर लीजिए, ऑर्डर करो। बोलिए मैडम। नवाज ने भी कई इंटरव्यूज में बताया है कि वो ऐसे अननोटिसेबल रोल्स अपने सर्वाइवल के लिए करते थे क्योंकि उन्हें कोई भी अपनी फिल्म में एक बड़ा रोल नहीं देता था। कोई स्टार बनना है कुछ ऐसा कुछ नहीं था, बस सर्वाइवल का वो था कि सर्वाइव करता रहूं कैसे तैसे करके। और चूंकि आदत पड़ी हुई थी, इतने सारे प्लेज कर लिए थे, काम करने की, रोज काम करने की आदत पड़ी हुई थी, तो मुझे लगता था वो चलते रहना चाहिए। भले सड़क पे करें प्ले या स्ट्रीट प्ले करें या सीरियल में कोई एपिसोड मिल जाए उसमें करें, तो कहीं भी लेकिन करता रहूं। ये जो खाली बैठने वाला होता था इससे बड़ा डर लगता था। तो यहाँ पे भी आके वो छोटे मोटे रोल मिले, पहले तो मैंने टीवी में ट्राई किया। नंबर 1, शाहरुख खान। वी ऑल नो कि शाहरुख आज एक वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी बन चुके हैं, बट यू शुड ऑलवेज रियलाइज हाउ ही स्टार्टेड हिज एक्टिंग जर्नी। ही बिगन हिज करियर बाय डूइंग टेलीविजन, जहां पर उन्होंने दूरदर्शन के कई सीरियल्स किए थे। बट ओनली ट्रू शाहरुख फैंस नो कि उन्होंने एक इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म में भी एक रोल किया था। 1989 की फिल्म इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस में शाहरुख एक कॉलेज स्टूडेंट का रोल प्ले करते हैं। इट इज सच अ रेयर फिल्म जो ना आज किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और ना ही DVDs पर। ऑल वी हैव इज दिस YouTube अपलोडेड वर्जन। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इस फिल्म के बारे में ये है कि इस फिल्म में अक्लेम्ड ऑथर अरुंधति रॉय ने भी एक्टिंग की थी। When Nanny was in the third year, someone defied him to go and piddle next to Yamdoot in a staff box. Not only piddle, but look over the side at Yamdoot's. वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें बताएं कि डू यू वांट टू सी अनदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वी मेड दिस वीडियो स्पेशली सीइंग योर रिस्पांस ऑन द फर्स्ट पार्ट। नाउ इफ यू गिव अ गुड रिस्पांस ऑन द सेकंड पार्ट एज वेल, फिर हम इसका पार्ट 3 भी बना सकते हैं। फॉर पार्ट 3 वी आर एमिंग फॉर 15,000 लाइक्स एंड 1,000 कमेंट्स, सो लेट अस सी इफ द टारगेट इज कंप्लीटेड। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।